फुटबॉल का खेल। छात्र जीवन के क्षण बड़े मूल्यवान होते हैं। छात्रों की अवस्था पठन पाठन के लिए होती है, परंतु विद्या अध्ययन के साथ साथ शरीर के स्वास्थ्य का भी महत्व होता है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खेल बहुत ही उपयोगी हैं। इनसे शरीर पुष्ट तथा सुंदर बनता है। मनुष्य के सारे कार्य स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं। रोगी या निर्बल व्यक्ति सुस्त, कायर तथा निष्क्रिय हो जाते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खेलना या व्यायाम करना नितांत आवश्यक है। फुटबॉल हमारे देश के लोकप्रिय खेलों में से एक है। यद्यपि ये खेल भारत में विदेशों से आया था, परंतु हमारे देश में इसे इस सीमा तक अपनाया जा चुका है कि इसे विदेशी कहना ठीक नहीं लगता। यह दुनिया भर के 130 से भी अधिक देशों में खेला जाता है। दुनिया की आबादी के लगभग 73% लोग इसे देखने के शौकीन हैं। इस खेल को देखने से शरीर में जोश का संचार होने लगता है। फुटबॉल के साथ दौड़ते हुए खिलाड़ी और गोल की ओर बढ़ती टीम दर्शकों में रोमांच उत्पन्न करती हैं। हमारे देश में बंगाल में फुटबॉल उतना ही लोकप्रिय है जितना इंग्लैंड में क्रिकेट। बंगाल की मोहन बागान और ईस्ट बंगाल फुटबॉल की प्रसिद्ध टीमें हैं। फुटबॉल के खिलाड़ी में साहस, विश्वास, फुर्ती, गति के साथ संतुलन और प्रत्युत्पन्न बुद्धि अपार होती है। उसमें देर तक परिश्रम करने की रुचि व क्षमता होती है और वह बिना थकान व तनाव के जीवन में समस्त कार्य अच्छे ढंग से कर सकता है। फुटबॉल से मैदान पर खेलते हुए हम जीवन में बाधाओं को चीरकर सफलता के मार्ग को चीरने का स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अनेक खेलों की भांति फुटबॉल की कहानी भी विकास की गाथा है। आदिकाल में भारत में कंदुक क्रीड़ा का वर्णन आता है। इसी प्रकार यूनान में हर्पास्टम और चीन में तस्चीचू आदि का स्वरूप फुटबॉल से मिलता है, परंतु आधुनिक फुटबॉल का विकास 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। डच आक्रमणकारियों को इंग्लैंड से निकाल बाहर करने के बाद वहां की जनता ने विल्योलास में उनकी खोपड़ियों को किक लगाकर खेल खेला। उसका बाद में निखरा स्वरूप फुटबॉल बना। फुटबॉल खेलने का मैदान 90 से 120 मीटर तक लंबा और 45 मीटर से 90 मीटर तक चौड़ा होता है। अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए लंबाई 100 मीटर से 110 मीटर तक तथा चौड़ाई 64 से 75 मीटर तक होती है। यह मैदान मध्य रेखा द्वारा दो भागों में बटा होता है। फुटबॉल के गोल आकार की परिधि घेरा 27 से 28 इंच तक होती है। इसका भार 14 औंस से 76 औंस तक होता है। खेल प्रत्येक गोल रेखा के बीच में बनाए जाते हैं। यह दो सीधे खम्बों को गाड़कर बनाया जाता है। इनके बीच का फासला 7.32 मीटर होता है। ये खम्बे जमीन से 2.44 मीटर की ऊंचाई पर एक सीधी छड़ से जुड़े होते हैं। गोल खम्बे सफेद रंग के होते हैं। इस खेल में खिलाड़ियों के दो दल होते हैं। प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी रहते हैं। खेल का निरीक्षण करने के लिए एक रेफरी निर्णायक होता है, जो खेल को व्यवस्थित ढंग से खिलाता है। किसी भी खिलाड़ी द्वारा गलती किए जाने पर फाउल लिया जाता है। रेफरी का काम बड़े महत्व का है। 11 खिलाड़ियों में एक गोल रक्षक, उसके दो सहायक फुल बैक, 3 उनके सहायक हाफ बैक तथा 5 खिलाड़ी केंद्र सेंटर में खेलते हैं। रेफरी की आज्ञा लेकर खेल के दौरान 2 खिलाड़ी तक बदले जा सकते हैं। खेल 2 बार होता है। प्रत्येक बारी 45 मिनट की होती है। बीच में 5 मिनट हेतु विश्राम मिलता है। खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस, सिक्का उछालकर साइड लेने और पहली किक ठोकर मारने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी फुटबॉल को पैरों से लुढ़काते या किक मारते हुए एक दूसरे के गोल के भीतर फेंकने की कोशिश करते हैं। पहली पारी खत्म हो जाने के बाद टीमें साइड पाला बदल लेती हैं। जिस टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम से अधिक गोल करते हैं, वही टीम विजयी होती है। प्रत्येक खेल के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के भंग होने पर फाउल लिया जाता है। इस खेल में गेंद को दूसरी तरफ ले जाने के लिए केवल पैरों का ही प्रयोग किया जाता है।
गेंद का हाथ से मारना या छूना वर्जित है। मैदान से बाहर गेंद नहीं जानी चाहिए। गोल की निर्धारित ऊंचाई के ऊपर से गेंद के चले जाने पर गोल नहीं माना जाता। अन्य खेलों की अपेक्षा इसके नियम जटिल नहीं है। ओलंपिक में फुटबॉल का आरंभ 1908 में हुआ था। भारत में फुटबॉल हर प्रांत में लोकप्रिय है। स्कूलों, कॉलेजों, विभागों और क्लबों में फुटबॉल का खेल बड़े शौक से खेला जाता है। अनेक नगरों में नगर क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों के मुकाबले चलते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के अनेक मुकाबले होते रहते हैं, जिनमें संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, सुब्रंतो कप आदि प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मुकाबले राष्ट्रीय कप संतोष ट्रॉफी के लिए प्रतिवर्ष होते हैं। सभी राज्यों की टीमों के साथ रेलवे, सेना आदि की टीमें भी इसमें भाग लेती हैं। निकोबार, नागालैंड और अन्य अनेक पिछड़े इलाकों में से फुटबॉल प्रतिभा की खोज के राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सुब्रतो कप का बड़ा महत्व है। प्रतिवर्ष हर प्रांत की स्कूली टीम को अपने जौहर दिखाने का अवसर मिलता है। ब्राजील का खिलाड़ी पेले दुनिया का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहा है। लंदन में जब वह विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लेने गया था, तब उसकी सरकार ने 20 लाख रुपयों का बीमा पेले के दोनों पैरों का करवाया था। उसके खेल को देखने के लिए जनता टिड्डी दल की तरह उमड़ पड़ती थी। फुटबॉल खेलने से टांगों में बल पैदा होता है, इससे दौड़ने की शक्ति बढ़ती है, अनुशासन में रहने की आदत पड़ती है, एक नेता के नियंत्रण में रहकर काम करने का अभ्यास होता है। स्वस्थ मनोरंजन के साथ इससे व्यायाम भी होता है, जिससे शरीर पुष्ट तथा शक्तिशाली बनता है। यह भारतीयों के लिए इसलिए अच्छा है कि खेलते हुए अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक गेंद को 22 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। खेलते समय खिलाड़ी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। खेल में ईर्ष्या द्वेष तथा झगड़ा करना बुरा है। मित्रता की भावना से ही खेल खेलना चाहिए।